हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है नल और हर्ज यानी कि पाइप एंड सिस्टर्न। आज फिर से हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम वन बाय वन करके अपने वीडियोज में कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये नेक्स्ट वीडियो है। आज फिर से हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नल एक पानी की टंकी को 30 मिनट में और अन्य नल 60 मिनट में भर सकता है। यानी कि दो नल हैं जिनमें पहला 30 मिनट में भर सकता है और दूसरा 60 मिनट में भर सकता है। आगे दिया हुआ कि यह दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाए, यानी कि पहले दोनों को 5 मिनट के लिए खोला गया है, फिर पहले नल को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले दोनों को 5 मिनट के लिए खोला जाता है, उसके बाद पहले को बंद कर दिया जाता है और फिर शेष बची हुई टंकी को दूसरा नल भरता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ दो नल है, पहला ए और दूसरा बी मान लेते हैं। पहला 30 मिनट में भर सकता है और दूसरा अकेले 60 मिनट में भर सकता है। फिर से हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले ले लेंगे टंकी की धारिता यानी कि टोटल कैपेसिटी, तो वो आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम, वो ले लेंगे हम 60। यानी कि यहाँ से हम ले लेंगे टंकी की धारिता 60 लीटर है। देन हम निकालेंगे कि एक घंटे में ये कितनी मात्रा भरेंगे। तो अगर पहला नल 30 घंटे में पूरी टैंक को भरता है तो एक घंटे में कितना भरेगा, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 लीटर। यानी कि पहला नल एक घंटे में 2 लीटर मात्रा भरेगा और दूसरा अगर 60 मिनट में पूरे टैंक को भरता है तो एक घंटे में कितना, एक मिनट में कितना भरेगा, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 लीटर। यानी कि दूसरा नल एक मिनट में 1 लीटर मात्रा भरेगा उस टैंक में। तो दोनों मिलकर एक घंटे में एक मिनट में कितना भरेंगे, तो दोनों मिलकर एक मिनट में दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही नल भर रहे हैं, तो एक मिनट में दोनों मिलकर 3 लीटर भरेंगे। ठीक है, तो दोनों का मिलकर एक मिनट में आ गया कि एक मिनट में दोनों मिलकर 3 लीटर मात्रा भरेंगे उस टैंक में। लेकिन दोनों मिलकर काम कितनी देर तक करते हैं, 5 मिनट के लिए। तो एक मिनट में अगर 3 लीटर, तो 5 मिनट में कितना भर लेंगे, तो 5 × 3 यानी कि 15। तो 5 मिनट में 15 लीटर भर लेंगे, तो ये 15 लीटर तो भर गया, इसको लेस कर देंगे तो बचेगा 45। यानी कि 45 लीटर मात्रा भी और भरनी है उस टैंक में, यह शेष है अभी इतना। और यह भरेगा कौन, क्योंकि पहले नल को बंद कर दिया गया है, तो पहला नल बंद हो गया, दूसरा बचेगा बी, वो भरेगा अब। तो दूसरा नल एक मिनट में कितना भरता है, 1 लीटर, तो 45 लीटर कितने देर में भरेगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45 मिनट। ठीक है, ये 45 मिनट आ जाएगा। तो टोटल कितना समय लगेगा, 45 मिनट ये समय लगा और 5 मिनट का पहले समय लगा था, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 50 मिनट। यानी कि टोटल समय लगेगा 50 मिनट का, यानी कि टैंक को भरने में 50 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, पहला दिया हुआ था कि पहला 30 मिनट में और दूसरा 60 मिनट में भर सकता है। देन हमने एलसीएम लेके टोटल कैपेसिटी निकाल ली, उसके बाद दोनों का निकाल लिया कि एक मिनट में कितना मात्रा भर सकते हैं, उसके बाद दिया था कि दोनों मिलकर 5 मिनट तक भरते हैं। ठीक है, 5 मिनट तक दोनों एक साथ काम करते हैं, उसके बाद पहला नल बंद कर दिया जाता है। तो दोनों मिलकर एक मिनट में 3 लीटर भरते हैं, तो 5 मिनट में 15 लीटर भरेंगे, उसको लेस कर देंगे तो बची हुई जो भाग बचेगा टैंक का भरने को, वो 45 बचेगा। यानी 45 लीटर की कैपेसिटी अभी भी बाकी है भरने को, और वो भरेगा कौन, बी, क्योंकि पहले नल को बंद कर दिया गया है। तो बी एक मिनट में एक भर रहा है, तो 45 लीटर कितनी देर में भरेगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45 मिनट। और टोटल समय क्या हो जाएगा, 45 ये और 5 मिनट पहले का, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल समय लगेगा 50 मिनट का उस टाइम को भरने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो पाइप एक्स और वाई किसी टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। यह दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो बताइए वाई को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। यानी कि टोटल समय लगना है 18 मिनट का, और पूछ रहा है कि कितने समय बाद वाई को कितने समय बाद बंद किया जाए, यानी कि वाई को कितने समय बाद बंद किया जाए, ये पूछा गया है। ठीक है, और टोटल समय 18 मिनट का दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला नल है, पहला पाइप एक्स है और दूसरा वाई। पहला 24 मिनट में भर सकता है और दूसरा 32 मिनट में भर सकता है। ठीक है, देन हम टोटल कैपेसिटी यानी कि धारिता निकाल लेंगे टैंक की, जो कि इनका एलसीएम होगा, जो कि आ जाएगा 96। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 8 × 3 है और ये 8 × 4 है। ठीक है, तो 4 × 3 और 8 कॉमन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 8 96 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि टोटल धारिता हमने ले ली 96 लीटर उस टैंक की। उसके बाद हम निकाल लेंगे कि एक मिनट में, यानी कि एक मिनट में कितना
मात्रा भरेंगे अकेले के लिए। तो पहले अगर 24 मिनट में पूरा टैंक भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 24 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 लीटर, यानी कि 4 लीटर मात्रा 1 मिनट में भरेगा एक्स। और दूसरा अगर 32 मिनट में पूरा भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 32 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि वाई अकेला 1 मिनट में 3 लीटर मात्रा भरेगा। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितनी मात्रा भरेंगे, 1 मिनट में दोनों मिलकर 7 लीटर मात्रा भरेंगे, यानी कि 7 लीटर की मात्रा दोनों मिलकर 1 मिनट में भरेंगे। देन यहाँ दिया क्या हुआ है कि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है और कुछ समय बाद वाई को बंद किया जाता है, और वही समय पूछा गया है कि वाई को कितने समय बाद बंद किया जाए। यानी कि अगर यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ और टोटल टाइम 18 मिनट लगा, तो अगर 18 मिनट का यहाँ से यहाँ तक पूरा समय लगा 18 मिनट का, और बीच में वाई को कहीं पे बंद किया गया, यहाँ पे वाई बंद हुआ और स्टार्टिंग दोनों ने की, तो बचा कौन, एक्स, यानी कि एक्स पूरे समय तक चला, शुरुआत से लेकर अंत तक एक्स ने पूरे समय काम किया, वाई ने सिर्फ इस पीरियड में काम किया, ठीक है। और यही समय पूछा गया है कि कितनी देर बाद वाई को बंद किया गया। तो हमारे पास समय किसका मालूम है, एक्स का, क्योंकि एक्स पूरे समय काम किया और पूरा समय कितना है 18 मिनट का, ठीक है। तो एक्स का हम निकालेंगे कि एक्स पूरे समय में कितना काम करेगा, उसको हम हटा देंगे, देन जो काम बचेगा वो बचेगा इस पीरियड का, और वो किया किसने है, वाई, देन हम निकालेंगे समय, ठीक है। तो अगर एक्स ने पूरा 18 मिनट काम किया तो एक्स ने अकेले कितना काम किया, अकेले 1 मिनट में कितना काम किया, 4 लीटर मात्रा भरता है अकेले, कौन, एक्स। तो 18 मिनट में कितना भरेगा, तो 18 × 4 निकालेंगे तो आ जाएगा 72, यानी कि 72 लीटर मात्रा भरेगा एक्स, ठीक है, 18 मिनट में। उसको हम लेस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ से 24, यानी कि 24 लीटर मात्रा बचेगी, जो ये किसने भरी होगी, ये भरी है वाई ने, जो कि इस पीरियड में भरा गया है, क्यों, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक ये इस पीरियड और इस पीरियड में एक्स, इस यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ने काम किया और यहाँ पे एक्स ने अकेले, तो यहाँ और यहाँ का एक्स का हमने निकाल दिया, तो बचेगा कौन, वाई, जो कि इस पीरियड में काम किया, और वाई के लिए बचा कितना काम है, 24 लीटर, और वाई 1 मिनट में कितना भरता है, 3 लीटर, तो 24 कितने समय में भर देगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट में ये शेष भर देगा जो कि बचा हुआ है, जो कि इस पीरियड में काम हुआ, ठीक है। यानी कि इस पीरियड में काम कितने समय तक चला, 8 मिनट तक, यानी कि वाई को 8 मिनट के बाद बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पे समय निकल आया कि वाई को पूछा गया था कि वाई को कितने समय बाद बंद किया जाए, तो वाई को अगर 8 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ समय आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, एक्स और वाई का दिया हुआ था कि एक्स अकेले 24 घंटे में 24 मिनट में और वाई 32 मिनट में किसी टैंक को भर सकते हैं, ठीक है। देन हमने दोनों का एलसीएम ले लिया तो वो आ गई धारिता किसी टैंक की, ठीक है। फिर टैंक हमने निकाल लिया इनके द्वारा 1 मिनट में भरी गई मात्रा, तो अगर 24 मिनट में पूरा टैंक भरते हैं तो 1 मिनट में 24 से डिवाइड किया तो इसका 4 आया, इसका 3 आया, ठीक है। देन उसके बाद दोनों एक साथ काम कर ही नहीं रहे हैं, तो उसके लिए हमें निकालना क्या था कि y कितनी देर बाद बंद किया जाए, तो पूरा जो काम चला है वो 18 मिनट का चला है, तो अगर पूरा 18 मिनट का चला है तो x ने तो पूरे टाइम काम किया, यहाँ भी y के साथ किया और यहाँ अकेले काम किया, ठीक है, और y ने केवल इस समय तक काम किया, तो हमने x का पूरा निकाल दिया, जितने समय तक x ने पूरे समय तक काम किया तो x का काम हमने निकाल दिया, तो जो काम बचेगा वो किसका बचेगा, y का, और y ने किस पीरियड में किया, सिर्फ इस पीरियड में, तो यही समय आ जाएगा हमारा, ठीक है। और यही समय पूछा गया है कि कितनी देर बाद बंद किया जाए, तो एक्स का हमने निकाल दिया, एक्स 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है तो टोटल समय कितना है 18 मिनट का, तो 18 मिनट में कितना भरेगा, तो 18 × 4 = 72 आ गया, लेस कर देंगे तो शेष आ जाएगा 24, और ये जो 24 लीटर मात्रा है ये वाई ने भरा है, और वाई 1 मिनट में 3 भरता है तो 24 लीटर मात्रा कितनी देर में भरेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 मिनट, और ये समय आ जाएगा इस पीरियड का, क्योंकि इसी पीरियड में वाई काम कर रहा है, यानी कि यही पूछा गया था कि वाई कितनी देर बाद काम छोड़ देता है, यानी कितनी देर बाद पाइप को बंद कर दिया जाता है वाई पाइप को, ठीक है। तो वो समय आ जाएगा 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट के बाद हम दूसरी पाइप को बंद कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है, यानी कि बी और सी पाइप जो है उन्हें आधे घंटे के लिए खोला जाता है, फिर ए को भी खोल दिया जाता है, उसके बाद ए को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी के बचे हुए भाग को, यानी कि पहले जो बी और सी ने आधे घंटे में भर दिया, उसके बाद जो बचा हुआ भाग है वो बचे हुए भाग को तीनों पाइप एक साथ मिलकर कितने समय में
भर लेंगे। तो शेष टंकी को कितने समय में तीनों पाइप भरेंगे, ये समय पूछा गया है। तो सॉल्व करते हैं, पहला ए, बी और सी तीनों पाइप है, पहला 6 घंटे में, दूसरा 9 घंटे में और तीसरा 12 घंटे में भर सकते हैं। देन उसके बाद टोटल कैपेसिटी यानी कि धारिता निकाल लेंगे हम टंकी, जो कि इसका एलसीएम हो जाएगा और वो आ जाएगा 36। ठीक है, तो हमने धारिता 36 ले ली टंकी। उसके बाद निकालेंगे कि 1 मिनट में कितना मात्रा भरेंगे। तो पहला अगर 6 मिनट में पूरा भरता है टैंक को, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 6 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6, यानी कि पहला टैंक 1 मिनट में 6 लीटर मात्रा भरता है। और दूसरा 9 मिनट में अगर पूरे टैंक को भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि 4 लीटर मात्रा 1 मिनट में भरेगा। और तीसरा 12 मिनट में पूरा टैंक भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो आ जाएगा 3, 12 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, यानी कि 1 मिनट में 3 लीटर मात्रा भरेगा। ठीक है, उसके बाद दिया क्या है कि बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है, आधे घंटे के लिए दोनों को खोला जाता है। तो यहाँ पर बी और सी का 1 घंटे का दिया है कि बी 1 घंटे में 4 लीटर और सी 1 घंटे में 3 लीटर भरता है। तो आधे घंटे में कितना भरेगा, आधे घंटे में बी भरेगा 2 और सी भरेगा 1.5, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3.5 लीटर, यानी कि 3.5 लीटर मात्रा आधे घंटे में ये दोनों मिलकर भर सकते हैं। तो इसको हम लेस कर देंगे तो शेष मात्रा आ जाएगी, शेष मात्रा आ जाएगी यहाँ पर 32.5। ठीक है, यानी कि 32.5 लीटर जो मात्रा है वो अभी भी बची हुई है। और भरेगा कौन, इसके बाद ए को भी खोल दिया जाता है, यानी कि तीनों मिलकर अब भरेंगे और तीनों मिलकर इस शेष मात्रा को भरेंगे। जबकि तीनों मिलकर यहाँ पर 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, तीनों मिलकर 1 घंटे में भरेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 13 लीटर, यानी कि तीनों मिलकर 1 घंटे में 13 लीटर मात्रा भरते हैं। और उन्हें भरना कितना है, ये शेष मात्रा जो कि बची है 32.5 लीटर की। ठीक है, तो 1 घंटे में इतना भरते हैं तो इतना कितनी देर में भरेंगे, तो 1 घंटे में भरी गई मात्रा से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 13। दशमलव हटा के हम 0 ले लेते हैं, फिर 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 65 और यहाँ पे आ जाएगा 26। ठीक है, देन 13 से डिवाइड हो जाएगा, अभी 13 से डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2, यानी कि 5/2 आएगा और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.5 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, शेष टंकी को भरने में, शेष टैंक को जो शेष मात्रा बची थी उसको भरने में 2.5 घंटे का समय लगेगा। और यही पूछा गया था कि बचे हुए भाग को तीनों पाइप एक साथ मिलकर कितना समय लेंगे, तो बचे हुए भाग को तीनों पाइप एक साथ मिलकर 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे में भर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर दिया हुआ है, दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। पाइप सी टंकी को 36 मिनट में खाली करता है। पहले पाइप ए और बी को खोला गया, 12 मिनट के बाद सी को खोला गया, तो कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तीन पाइप है, पहले दो पाइप भर रहे हैं और तीसरा पाइप खाली करने का काम कर रहा है। और उसके बाद जो काम किया जा रहा है वो पहले ए और बी को खोल दिया जाता है और 12 मिनट के लिए खोला जाता है, उसके बाद सी को खोला जाता है। तो टंकी को भरने में टोटल समय पूछा गया है, तो सॉल्व करते हैं। ए, बी और सी, सी खाली करने का टैंक है जिसको हम निगेटिव से इंडिकेट करेंगे, तो पहला 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा 45 मिनट में भर सकता है और तीसरा 36 मिनट में खाली कर सकता है। देन हम टोटल कैपेसिटी यानी कि धारिता निकालेंगे जो कि इनका एलसीएम होगा और यहां से वो आ जाएगा 180, तो 180 लीटर धारिता हो जाएगी उस टैंक की। देन हम इनके द्वारा 1 मिनट में भरी गई या निकाली गई मात्रा निकालेंगे। तो पहला अगर 30 मिनट में पूरा टैंक भरता है तो 1 मिनट में 30 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि 1 मिनट में 6 लीटर मात्रा भरेगा। और दूसरा अगर 45 मिनट में पूरा टैंक भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 45 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 लीटर, यानी कि दूसरा 1 मिनट में 4 लीटर मात्रा भरेगा। और तीसरा अगर 36 मिनट में पूरा टैंक खाली करता है तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 36 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, और वो माइनस का आएगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो 5 लीटर खाली करेगा 1 घंटे में, 1 मिनट में, मिनट में दिया हुआ है, तो 1 मिनट में 5 लीटर मात्रा खाली करेगा टैंक से। ठीक है, देन उसके बाद काम किसको करना है, कह रहे हैं कि पहले ए तथा बी को खोला गया और 12 मिनट तक दोनों चलते रहे, उसके बाद सी को खोला गया। तो पहले 12 मिनट तक कौन काम करेगा, ए और बी। तो ए और बी 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, 10 लीटर, 1 मिनट में अगर 10 लीटर भर रहे हैं तो 12 मिनट में 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 120, यानी कि 120 लीटर भर जाएगा अब तक। ठीक है,
तो 120 लीटर तो भर गया, बचेगा कितना 60 लीटर। अब ये 60 लीटर भरना है, लेकिन अब तीनों ऑन हो गए। जब तीनों ऑन हो जाएगी, सी भी ऑन हो गया, तो यहाँ पर अगर एक घंटे का हम निकालें तो 10 लीटर तो भरा जाएगा, लेकिन 5 निकलेगा भी, तो बचेगा कितना 5 बचेगा, और वो प्लस का, यानी कि अब एक घंटे में 5 लीटर भरा जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 लीटर निकल भी रहा है, तो बचेगा कितना 5 लीटर, जो कि एक घंटे में भरा जा रहा है। तो अगर एक घंटे में 5 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो पूरा 60 लीटर जो बचा हुआ भाग है ये कितनी देर में भरेगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 मिनट। मिनट में था तो मिनट में आएगा, यानी कि एक, यानी कि शेष जो बची हुई मात्रा थी 60 लीटर की, वो 12 मिनट में भर जाएगी। ठीक है, तो पूरा समय कितना लगेगा, 12 मिनट ये लगा, और इसके पहले 12 मिनट ऑन किया गया था, तो उसको भी ऐड कर देंगे, तो टोटल समय आ जाएगा 24 मिनट, यानी कि पूरा समय लगा 24 मिनट का उस टंकी को भरने में। जब काम किसने किया, पहले 12 मिनट तक ए और बी ने, उसके बाद तीनों ऑन थे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, दो नल भरने वाले थे जो अलग अलग समय दिया हुआ था, और तीसरा खाली करने वाला। तो पहले हमने इनकी धारिता निकाल ली, देन उनके द्वारा एक मिनट में भरी गई मात्रा और खाली की गई मात्रा निकाल ली, उसके बाद इन दोनों ने मिलकर 12 मिनट तक टंकी को भरा। तो इन दोनों का हमने 12 मिनट का निकाल लिया, वो तो भर गया। उसके बाद जो शेष बचा, तब सी भी आन है, यानी कि खाली करने वाला भी आन है। तो ये दोनों अगर 10 भर रहे हैं, तो ये 5 खाली कर रहा है, तो बचेगा कितना 5, यानी कि एक मिनट में 5 लीटर भरेगा। तो बचा हुआ 60 लीटर भाग कितनी देर में भरेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 मिनट, और पहले का 12 मिनट दोनों ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 24 मिनट, यानी कि टोटल समय 24 मिनट का लगेगा उस टैंक को भरने में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर दिया हुआ है कि एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है, जबकि दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप का दोगुना है, यानी पहले पाइप की दोगुना क्षमता हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसका व्यास अगर दोगुना है तो उससे दोगुना पानी निकलेगा। ठीक है, दोगुना मात्रा निकलेगी तो उसकी क्षमता दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे दिया हुआ है कि टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाते हैं, दूसरा वाला खाली कर रहा है, दोनों पाइप एक साथ टैंक को कितने समय में खाली कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों ही टैंक खाली करने वाले हैं, तो यहाँ साइन लेने की, यानी कि चिन्ह लगाने की, माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या है कि पहला 40 मिनट में खाली करता है, और दूसरा भी है जिसका व्यास इसका दोगुना है, यानी कि क्षमता दोगुनी हो जाएगी, और अगर क्षमता दोगुनी हो जाएगी तो समय कितना लगेगा, आधा, क्योंकि अपोजिट होता है दोनों, क्योंकि देखा था कि अगर क्षमता का अनुपात दिया हुआ दोनों का, इफिशियंसी का अनुपात अगर दिया हुआ है 1:2 है, यहाँ क्या है कि दूसरे वाले की क्षमता दोगुनी है क्योंकि उसका व्यास दोगुना है पहले पाइप से। ठीक है, तो इनका टाइम क्या आ जाएगा, टाइम का अनुपात क्या आ जाएगा, 2:1, यानी कि पहले से आधा समय लगेगा। तो पहले को अगर 40 मिनट लग रहा है तो दूसरे को 20 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों का समय आ गया। देन उसके बाद कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ कितने समय में खाली करेंगे, तो पहले हम क्षमता निकालेंगे जो कि इनका एलसीएम होगा, तो टंकी की कैपेसिटी आ गई 40 लीटर की। देन एक घंटे में इनके द्वारा निकाली गई मात्रा निकालेंगे, तो पहले एक घंटे में कितना निकालेगा, 40 से डिवाइड करेंगे तो 1, और दूसरा 20 मिनट में पूरा खाली करता है तो एक मिनट में, 20 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो ये दोनों मिलकर एक मिनट में कितना खाली करेंगे, 3 लीटर। एक मिनट में अगर 3 लीटर खाली करते हैं तो टंकी, पूरी टंकी कितने समय में खाली करेंगे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 13/1/3 मिनट का समय आ जाएगा। तो इतना समय लगेगा इस टंकी को खाली करने में दोनों के द्वारा एक साथ काम करने पर। ठीक है, तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन था, दिया हुआ था पहला 40 मिनट में खाली कर सकता है, और दूसरा जिसका व्यास पहले का दोगुना है, पहले पाइप से दोगुना है, तो जाहिर सी बात उसको समय आधा लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी क्षमता दोगुनी है, उससे दोगुना ज्यादा मात्रा निकलेगी क्योंकि उसका व्यास दोगुना है। ठीक है, तो उसका समय इसका आधा हो जाएगा। देन उसके बाद क्षमता निकालेंगे, और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों का मिलकर एक घंटे का निकाल लेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, तो टोटल समय आ जाएगा कि दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में खाली कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 13/1/3 मिनट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर दिया हुआ है, एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, तल में रिसाव के कारण या 36 घंटे में भरता है। तल में रिसाव के कारण 36 घंटे में भरता है, मतलब कि दोनों काम कर रहे समय, तल में रिसाव होने के कारण खाली भी हो रहा है और भरने वाला भर भी रहा है, तो 36 घंटे का समय लगता है। जब अकेले भरता है तो 24 घंटे का, और रिसाव भी हो रहा है तो 36 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो आगे दिया हो कि यदि टैंक का आधा भाग
भरा हुआ हो, आधा भरा हुआ हो, यानी टैंक का आधा भाग भरा हुआ है, तो उस रिसाव से टैंक कितने समय में खाली हुआ होगा, यानी कि उस आधे भरे हुए भाग को अकेले रिसाव, यानी कि रिसाव कितनी देर में खाली कर सकता है। तो रिसाव के द्वारा 1 घंटे में खाली करने वाली मात्रा अगर मिल जाएगी तो हम पूरा समय निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला पाइप ये मान लेते हैं हम कि ए अकेला काम कर रहा है तो 24 घंटे में भर सकता है, लेकिन अगर उसके साथ रिसाव भी, जो तल में रिसाव है वो भी हो रहा है, तो 36 घंटे लगते हैं, यानी कि ए और बी दोनों काम कर रहे हैं और बी निगेटिव है क्योंकि वो खाली कर रहा है, वो रिसाव है। ठीक है, तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में टोटल समय कितना लग रहा है, 36 घंटे का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 घंटे का समय। अब हम निकालेंगे उस टैंक की धारिता, जो कि इन दोनों का एलसीएम होगा, और वो आ जाएगा 72, यानी कि हमने टंकी की धारिता निकाल ली कि 72 लीटर है। देन उनके द्वारा 1 घंटे में भरी गई मात्रा निकालेंगे। तो पहला, अगर 24 घंटे में पूरा टैंक भरता है तो 1 घंटे में कितना, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि 1 घंटे में 3 लीटर मात्रा भरेगा। और दोनों मिलकर अगर 36 मिनट में भरते हैं तो अकेले, यानी कि 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 36 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में 2 लीटर भरा जाएगा। और यहाँ पर अगर ए की मात्रा 3 लीटर है 1 घंटे में, तो यहाँ भी ए वही है, सेम है, तो यहाँ भी 3 होगी इसकी मात्रा, और दोनों का ऐड 2 आया, यानी कि बी की मात्रा क्या हो जाएगी, बी की मात्रा -1 हो जाएगी, तभी तो आएगा, और माइनस में होगी क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, यानी कि बी जो है वो 1 घंटे में 1 लीटर मात्रा खाली करेगा, तभी तो दोनों का ऐड क्या आएगा, 2 लीटर आएगा 1 घंटे का, क्योंकि ये 3 भर रहा है और ये 1 खाली करेगा, तभी दोनों का ऐड क्या आएगा, 1 घंटे में 2 लीटर भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी का आ गया, यानी कि रिसाव का आ गया, कि रिसाव अकेला 1 घंटे में 1 लीटर जल निकाल देता है। ठीक है, तो यही रिसाव का पूछा गया था, और रिसाव कितना खाली करना है, आधा टैंक। कह रहा है कि टैंक अगर आधा भरा हुआ हो, तो अगर 72 पूरी धरता है तो आधी कितनी हो जाएगी, 36, और इसको खाली कौन करेगा, रिसाव, जिसका जो कि 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है। तो इस 36 लीटर को कितनी देर में खाली करेगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 36 आवर्स, यानी कि 36 घंटे, यानी कि ये रिसाव अकेले 36 घंटे में उस टैंक को खाली कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये थे आज के हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन जो कि हमने आज डिस्कस किए। अब बचे हुए जो टाइप के क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।